हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का डाउट था कि सर जो कल कंपनी आ रही है उसके बारे में कुछ बताएं, सैलरी क्या देगी और कितने घंटे की ड्यूटी है, कहाँ पे जाना पड़ेगा, कैसे क्या होगा और कहाँ पे आकर के इंटरव्यू देना है, सबके बारे में बताइए। तो मैं उसी को लेकर के पूरा फुल इन्फॉर्मेशन को लेकर के मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के बीच में। दोस्तों, सबसे पहले आप ये जान लें कि आ करके आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। अगर कोई ऑनलाइन सुविधा आता है तो उसके लिए मैं अपने नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो मैं ग्रुप दिया हूँ, उस ग्रुप में आपको नोटिफिकेशन दे दूंगा तो आप ऑनलाइन इंटरव्यू दे सकते हैं। बहुत सारे लोगों का कहना था सर गुजरात की कंपनी है, ऑलरेडी मैं गुजरात में हूँ, तो सर ऐसा कुछ करें कि हमारा वहाँ पे इंटरव्यू हो जाए, तो उसके लिए भी मैं आपको बताऊँगा। अगर कुछ इन्फॉर्मेशन आएगा तो ग्रुप में मैं आपको डाल दूंगा और आप देख सकते हैं। तो मैं इन्फॉर्मेशन मैं उन लोगों के लिए दे रहा हूँ जो लोग यहाँ पर आ सकते हैं और आ करके अपना इंटरव्यू देंगे, उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन होने वाली है और बाकी लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन मैं ग्रुप में अपडेट कर दूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले इस चीज़ को समझेंगे, कंपनी का नाम है पॉलीरब इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। ये कंपनी है जो गुजरात की कंपनी है और गुजरात में बेस्ट कंपनी देखी जाती है, ठीक है। अब समझेंगे इसमें योग्यता आपका क्या होना चाहिए। योग्यता जो है आपका आईटीआई, ठीक है, आईटीआई में आपका कोई भी ट्रेड हो, इलेक्ट्रिशियन होता है, फिटर होता है, ठीक है, कोई भी ट्रेड हो कोई इशू नहीं है, ठीक है। और इसके अंदर आपका 10वीं पास भी है, 12वीं पास भी है, ये दोनों लोग अपना आ सकते हैं। इसके साथ साथ में जो आपका वेतन होगा ये आपका आईटीआई का होगा 17,000 रुपये, 12 घंटे की ड्यूटी होगी और 26 दिन की ड्यूटी है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। 30 दिन का महीना होता है तो उसमें 26 दिन की ड्यूटी है, 4 दिन आपकी छुट्टी दी जाएगी, ठीक है। अब इसमें समझने वाली है वेतन 10वीं पास के लिए है आपका और 12वीं पास के लिए है, इसमें 16,000 26 दिन के लिए, ठीक है। 26 दिन की सैलरी आपकी जो होगी वो 16,000 रुपये होगी। उम्र क्या है, बहुत सारे लोगों का उम्र से लेकर के भी डाउट रहा है, तो उम्र को लेकर के आप लोग समझ लेंगे। इसमें जो आपका उम्र लगेगा वो लगेगा आपका 18 से 30 साल, ठीक है। बाकी जो 30 से ऊपर वाले हैं आप लोग आइएगा कंपनी से बात करिएगा और आपको थोड़ा बहुत रियायत दे दी जाएगी, ठीक है, अगर देने लायक रहता है तो, ठीक है। तो इसमें उम्र कितने लोग आएंगे, जिनका उम्र 18 साल हो और अधिकतम आपका जो है उम्र 30 साल हो। दूसरी चीज़ ये, इसमें सुविधा क्या मिलेगा, बहुत सारे लोग कहना था तो सर खाना पीना क्या है, रहना क्या है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इन चीज़ों को लेकर के बहुत सारे लोगों का डाउट रहा है। तो मैं तो रहना तो नहीं बता सकता हूँ, बट मैं आपको खाना पीना बता दे रहा हूँ। इसमें जो सुविधा मिलेगा, एक टाइम का खाना आपको कंपनी के द्वारा दिया जाएगा, ठीक है, और दो टाइम का नाश्ता भी दिया जाएगा, नाश्ता भी आपको मिलेगा दोनों टाइम, ठीक है, और खाना जो मिलेगा वो एक टाइम मिलेगा। चूंकि आप 12 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं तो उस समय खाना आपको कंपनी देगी और उसके बाद का खाना आपका आपको करना पड़ेगा और दो टाइम का नाश्ता भी कंपनी देगी आपको, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि ये आपका जो है कि जो भी भर्तियां हैं, ठीक है, इसमें आपका नीम के द्वारा, नीम ट्रेनिंग के द्वारा ली जा रही है और इसमें आप 2 साल के लिए आपको कंपनी में जाते हैं, ठीक है। बहुत सालों का कहना था सर 2 साल के बाद कंपनी निकाल देगी, तो पहले मैं बता दूं, अगर आप कंपनी में अपना परफॉर्मेंस अच्छा देते हैं, कंपनी को लगता है कि हाँ आप कंपनी के लिए एक अच्छा काम कर रहे हैं, तो आपको कंपनी कभी निकालती नहीं है, ठीक है, कभी निकालती नहीं है, आपको कंपनी रखेगी, क्योंकि आप परफॉर्मेंस तो अच्छा दे रहे हैं ना कंपनी को, तो कंपनी आपको रखती है। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर जी हमको जो है कि कंपनी 1 साल बाद निकाल देगी, तो निकालेगी नहीं। अगर आप परफॉर्मेंस अपना अच्छा देते हैं तो सैलरी भी बढ़ाएगी और आपको अच्छे दिन तक रखेगी। डिप्लोमा वाले लोगों के लिए बता दें तो जो डिप्लोमा वाले लोग हैं, ठीक है, उन लोगों को जो है डिप्लोमा आपका मैकेनिकल हो, डिप्लोमा आपका इलेक्ट्रॉनिक्स हो, ठीक है, उनकी उम्र जो है आपकी 18 से 30 है, ठीक है। जो 18 से 30 वाले हैं वो भी लोग अपना, ऊपर के जो लोग हैं वो भी लोग अपना आ सकते हैं, आकर के अपना इंटरव्यू दे सकते हैं, ठीक है। इंटरव्यू देने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर कंपनी जो है कि कहती है कि 18-30 से प्लस वाले लोगों को ली जाएगी तो आप लोग भी अपना आ सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है, बात एक बार कर लिया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज हो जाएगी। और इसमें भी आपका वेतन क्या होगा, इसमें देखेंगे जो 10वीं पास वाले हैं, ठीक है, 10वीं पास वाले लोगों के लिए इसमें जो है कि आपका 16,000 रुपये और जो डिप्लोमा वाले हैं आपका इसमें 17,000 रुपये, इस तरीके की आपको सैलरी इसमें दी जाएगी, ठीक है। ड्यूटी जो 8 घंटे का करना चाहता है, इसमें 8 घंटे का भी ड्यूटी रखा गया है। 8 घंटे की जो ड्यूटी मिलेगी, वेतन आईटीआई वालों के लिए और प्लस डिप्लोमा वाले लोगों के लिए 11,400 रुपये, ठीक है। आप 8 घंटे की भी ड्यूटी अपना कर सकते हैं और जो 10वीं पास का होगा उसका 10,300 रुपये, ठीक है, 8 घंटे की ड्यूटी इसमें भी दी जाएगी। तो अगर आप 8 घंटे की ड्यूटी करना चाहते हैं कर सकते हैं, ठीक है। प्लस इसमें डिप्लोमा वाले का जो होगा वो 12,400 रुपये दी जाएगी, जो डिप्लोमा बंदा किया होगा उसको 12,400 रुपये दी जाएगी अगर 8 घंटे की ड्यूटी करना चाहते हैं तो, ठीक है। तो दोनों बाउंडेशन आप जिसमें जाना चाहते हैं उसमें आप जा सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, इसमें खाना भी डिप्लोमा वाले लोगों के लिए भी वही खाना है, यानी आप इसमें
एक टाइम का खाना और दो टाइम का नाश्ता इसमें आपको प्रॉपर मिल जाता है, ठीक है। ये कंपनी का इसमें क्या होता है काम, कंपनी कंप्रेसर बनाती है। कंप्रेसर क्या होता है, जैसे एसी के अंदर फ्रिज के अंदर जो कंप्रेसर लगता है वो कंप्रेसर बनाती है कंपनी, ठीक है। तो आप जा सकते हैं वहाँ पर, और इसमें भी निम ट्रेनिंग के द्वारा जो है कि आपको लिया जा रहा है, जिसमें 2 साल के अंतर्गत आप रहते हैं, ठीक है, कंपनी के अंदर। अगर आप कंपनी के अंदर अपना परफॉर्मेंस अच्छा दिखाते हैं तो कंपनी आपको लॉन्ग टर्म के लिए रखती है, अगर अपना परफॉर्मेंस आप अच्छा नहीं दिखाते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रखते हैं। अब मैं बात करता हूँ कि कंपनी जो है जहां पे आ रही है, जिस कॉलेज में आ रही है, उस कॉलेज का नाम है राम प्रसाद सिंह प्राइवेट आईटीआई खरजड़वा देवरिया, ठीक है। देवरिया में ये कंपनी मतलब स्कूल है आपका, यहाँ पे आकर के अपना आप इंटरव्यू दे सकते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों का कहना है कि सर हमको रेलवे स्टेशन से कितना दूर पड़ेगा और बस स्टेशन से कितना दूर पड़ेगा, तो मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए, बस स्टेशन से 1.5 किलोमीटर पड़ेगा और रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर पड़ेगा, ठीक है। आप जिधर से आना चाहते हैं आ सकते हैं, बहुत अच्छे लोकेशन पे है, आप जा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उस लिंक से आप ग्रुप में ऐड हो जाइएगा, वहाँ पर मैं लोकेशन आपको शेयर कर दूंगा प्रातः, मतलब कि अभी मैं लोकेशन शेयर कर दूंगा शाम तक, और शाम के बाद मैं आपको कल सुबह में भी लोकेशन शेयर कर दूंगा, आप वहां से आ सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप लोकेशन नहीं उसमें पकड़ पा रहे हैं तो आप लोकेशन में जाइए, वहां पर डालिए राम प्रसाद सिंह प्राइवेट आईटीआई, आपको पहुंचा देगा। अगर आप फंस जाते हैं कहीं नहीं जा पा रहे हैं, वहां भी नहीं आ पा रहे हैं, तो आप कलिंद बिहार इंटरमीडिएट कॉलेज, ठीक है, देवरिया में कहीं भी पूछेंगे लोग बता देंगे, देवरिया में आप पूछ लिए कलिंद बिहार इंटरमीडिएट कॉलेज, लोग आपको यहां पर छोड़ देंगे, और कलिंद इंटरमीडिएट कॉलेज से बस कुछ ही दूरी पे 10-20 कदम की दूरी पर आपको राम प्रसाद आईटीआई मिल जाएगा, जहां पे आपका सारा होना है। रिपोर्टिंग टाइम में बता दूं तो रिपोर्टिंग टाइम आपका प्रातः 9 बजे है, ठीक है, 9 बजे तक आकर के आपको अपना रिपोर्टिंग कर देना है, और आपको फॉर्म मिलेगा, फॉर्म को फिलअप कर देना है। डॉक्यूमेंट्स इसमें क्या लगेगा, अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है, अगर आपने आईटीआई कर रखा है तो आईटीआई का, ठीक है, या फिर डिप्लोमा कर रखे हैं डिप्लोमा का जो सर्टिफिकेट होता है उसका जीरोक्स भी लेकर आना है, अगर संभवता हो सके तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी आपको ले लीजिएगा, ठीक है, यानी आपको उसका जीरोक्स लाना है, और उसके साथ साथ में हाई स्कूल का जीरोक्स लाना है, अगर आपने प्लस टू कर रखा है तो उसका जीरोक्स ले लेना है, आधार कार्ड का जीरोक्स ले लेना है, और साथ में फोटो को भी लेकर के आना है, ठीक है। और बस यही आपका लगना है, पैसा वगैरह कुछ नहीं लगेगा आपका। बहुत सारे लोग कहना था सर जी पैसा वगैरह लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है, पैसा आपका एक भी पैसा नहीं लगेगा, कंपनी में आपको बिल्कुल स्कूल की तरफ से निःशुल्क आपको रखा गया है, ठीक है। आप आ सकते हैं और अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। इंटरव्यू में बहुत बड़ा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, छोटी क्वेश्चन होंगी जो पूछी जाएगी और आपको बताना है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही इन्फॉर्मेशन, बाकी अगर हमको टाइम मिलता है तो फिर मैं आपको जरूर कुछ ट्रेनिंग दूंगा कि किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किस तरीके का